सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्म तिथि, फोटो, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि ये कितनी बार मैक्सिमम लिमिट इसकी लगी हुई है, कितनी बार अपडेट करवा सकते हैं। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना है और हमें सर्च करना है UIDAI। उसके बाद फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पे ही सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज जो भी रखना चाहें रख लें इसको। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, तो थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा ऑप्शन अपडेट डेमोग्राफिक डेटा और चेक स्टेटस का, तो इस पर सिंपली हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो सिंपली इस पर ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर और कैप्चा डाल के सिंपली सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली नीचे वाले लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन अपडेट सर्विसेज का जो ऑप्शन शो हो रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपडेट आधार ऑनलाइन वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा ऐसा इंटरफेस आएगा, तो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू अपडेट आधार पे ओके कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, नाम जो है हमारा मैक्सिमम दो बार चेंज करा सकते हैं। जैसे कि राकेश से राकेश कुमार करवाना चाहें तो वो आसानी से हो जाएगा, लेकिन राकेश से मोहन ये पूरा नाम चेंज हो रहा है तो नहीं चेंज हो पाएगा। उसके बाद जन्मतिथि सिर्फ एक बार ही अपडेट कराई जा सकती है, दोबारा से जन्मतिथि अपडेट नहीं होगी। उसके बाद जेंडर सिर्फ एक बार होगा, मेल या फीमेल जो भी अगर करेक्शन करवाना चाहते हैं आप तो एक ही बार उसका संशोधन हो सकता है। और उसके आगे एड्रेस, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसकी कोई भी लिमिट अभी लगाई नहीं गई है, इसको आप चाहें तो असीमित बार अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।